wonderful. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे जेन फार्मा की मैक्स डिफ क्रीम के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये मैक्स डिफ क्रीम सबसे पहले क्या दावा करती है और किस किस प्रॉब्लम्स के लिए इसे यूज़ किया जा सकता है, और वीडियो के सबसे एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे रिव्यू इस क्रीम के बारे में क्या है। तो वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा जी। तो इसके बॉक्स पे जो है सबसे मेन चीज लिखी गई है कि ये एक स्किन ब्राइटनिंग क्रीम है। साथ में इनका कहना है कि इस क्रीम में आपको 3 क्वालिटीज मिलेंगी एक ही ट्यूब में, लाइक ये स्किन को जो है रिजेनरेट करता है, ब्राइटन करता है और साथ साथ मॉइस्चराइज करता है। इन रिजल्ट आपकी स्किन ब्राइटन अप और ग्लोई दिखना शुरू हो जाती है जी। तो बॉक्स को टर्न करके इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन जो मेन इंग्रेडिएंट्स मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगी कि इसमें जो है मेन जो फेस के नरिशमेंट के लिए या स्किन नरिशमेंट के लिए यूज़ होते हैं वो आजकल वो है अल्फा आर्ब्यूटिन, कॉजिक एसिड और हेलरॉनिक एसिड भी है इसमें, नियासिनमाइड भी है। साथ ही अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो इनका कहना है कि यह आपकी स्किन को ब्राइटन अप के साथ साथ स्मूथर और ब्लेमिशेस से फ्री बनाती है। यह आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, ग्लोवी और यंगर लुक देती है और साथ ही इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी हैं। बॉक्स की दूसरी तरफ को अगर मैं टर्न करके रीड करूँ तो इसमें भी सेम लिखा है कि ये एक स्किन ब्राइटनिंग क्रीम है जिसकी फॉर्मुलेशन बहुत यूनिक है और डिस्कलरेशन को लाइटन अप करने के लिए बनाई गई है। इसके अलावा ये क्रीम जो है ये डार्क स्पॉट्स, ब्राउन स्पॉट्स और फ्रेकल्स को भी ट्रीट करने का काम करती है। इसमें मौजूद हेलोरॉनिक एसिड आपकी स्किन को रिजेनरेट करता है और प्रोटेक्ट करता है ड्राइनेस से और आपकी स्किन की मॉइस्चर को बढ़ाता है। इस क्रीम की शेल्फ लाइफ की बात करें तो इसकी शेल्फ लाइफ 6 मंथ्स है। इसको ओपन करने के बाद आप इसको मैक्सिमम 6 मंथ्स तक यूज कर सकते हैं। वैसे अगर आप रेगुलर यूज करें तो ये 6 मंथ से पहले ही मीन्स विद इन 1 मंथ ये जो है ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर आप जो है रेगुलर नहीं यूज़ कर ले तो फिर आप 6 मंथ्स के अंदर अंदर इस क्रीम को ख़त्म करेंगे और उसके बाद इसका यूज़ करना जो है वो सही नहीं है आपके स्किन के लिए। इस क्रीम को जो है आपने बिल्कुल मटर के दाने के साइज़ के बराबर अपनी उंगली पे लेना है, अपने पूरे फेस पे जो है इसको अच्छे से जो है ब्लेंड कर लेना है, अच्छे से जो है इसको एब्जॉर्ब कराना है आपने। इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस जो है वो 1000 रुपीज़ है और ये क्रीम की जो है क्वान्टिटी की बात करें तो ये 30 ग्राम्स आपको मिलेगी। अब हम बात करेंगे मेरी पर्सनल रिव्यू की इस क्रीम के हवाले से कि मैंने इसको यूज़ करके क्या जो है महसूस किया। पहली बात यह कि मैंने ये क्रीम जो है अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के कहने पर ही यूज़ की थी। जेनेटिकली मेरी स्किन जो है वो बहुत ही अच्छी, फेयर और बहुत हेल्दी है, लेकिन गर्मियों की सख्त दोपहर और हॉट वेदर की वजह से मेरी स्किन पे डिस्कलरेशन बहुत ज़्यादा आ गई थी और कुछ केमिकल्स की वजह से लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हुए लाजमी है कि ये फ्यूम्स जो है केमिकल्स के आपकी स्किन पे जो है ना असरअंदाज करते हैं, आपकी स्किन को डल और डैमेज करते हैं। मुझे भी सेम प्रॉब्लम्स का मसला था और मैं अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई जो कि बहुत फेमस लाहौर के डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने मुझे ये क्रीम जो है रिकमेंड की और मैंने यूज़ की और मुझे वाकई ये सारी जो इनकी खूबियाँ इन्होंने बयान की हैं वो सब मिली हैं। मेरी स्किन की डिस्कलरेशन ट्रीट हुई, मेरी स्किन ब्राइटन अप हुई, ग्लो आई मेरी स्किन में। इसके अलावा डार्क स्पॉट्स, एक्नी स्पॉट्स जो हैं वो भी बहुत हद तक रिड्यूस हुए। दिस क्रीम रियली डिड मैजिक फॉर मी, और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मेरी स्किन वैसी नहीं थी जैसे बन गई थी, तो ये स्किन क्रीम जो है मेरी स्किन पे बहुत अच्छी आई है। वैसे मैंने कुछ सुना है कुछ लोगों की स्किन पे ये नहीं अच्छी आती क्योंकि इसमें इस तरह के केमिकल्स या इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मे बी आपकी स्किन वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाती, तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। आप पहले इसको जो है चेक करें, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मशवरा करके यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये कोई ब्यूटी क्रीम नहीं है, ये एक मेडिकेटेड क्रीम है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी जल्दी आप लोगों के साथ एक नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।